जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और आपको बता दें कि इससे पहले हमने इंसॉल्वेंसी पर 3 वीडियोज Part 1, Part 2, Part 3 के नाम से अपलोड किया हुआ है। अगर आपको इनकी लिस्ट के बारे में, लिस्ट इसमें जो कि ABCDEFGH इस प्रकार से बताई गई है, तो उनके बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो Part 1, 2, 3 को अवश्य देखिए। उसके बाद फिर इस पार्ट को अगर आप समझेंगे तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि आपने उनको देखा हुआ है तो आगे की प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। तो यहां पर लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिया है, जिसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ₹15,050, क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड 19,080, होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ 18,100 विच इज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ओनली 6,000। यहां पर बता दें कि 15,050 रुपए का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। जैसे कि हम इस सवाल को पूरा स्टेटमेंट और डेफिशिएंसी अकाउंट तक ले जाएंगे तो आपको इसको शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा, इसका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। इसलिए आप इसको शुरू से एंड तक देखिए और इसके हर स्टेप को आप सोचिए कि यह स्टेप कैसे हो रहा है और आपको इसको किस तरह से एक बार फिर आप रिपीट करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहले इसमें लिस्ट आउट किया जाता है, यानी कि लिस्टिंग की जाती है। हम सवाल को सॉल्व करने से पहले इसको लिस्ट में तैयार करते हैं, लिस्ट में डालते हैं। जैसे कि यहां पर बोला गया है, मिस्टर रमेश कुमार जो कि बिजनेस कर रहे थे लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो इनके पास जो काम करने वाले मजदूर हैं और इनसे संबंधित जो क्रेडिटर्स हैं फुली हो या पार्टली हो, उनको ही यहां पर ट्रीटमेंट करेंगे और उनकी लिस्ट ABCD 4 प्रकार की लिस्ट कर्जदारों की होती है, उनको हम बारी बारी से तैयार करेंगे और कौन सा अमाउंट किस जगह जाएगा यह भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहां पर खुद ही इन्होंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोला है कि इनका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 15,050 का है, तो इसको हम वर्कआउट करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। तो हमने यहां पर पहले ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट बी और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी, इनका नाम डाल दिया है। जो अमाउंट जिस लिस्ट में जाएगी उसको उसी लिस्ट में हम डाल देंगे। जैसे कि अभी पढ़ा आपने जिसमें बोला गया क्रेडिटर्स जो कि अनसिक्योर्ड है पहले से ही, तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स 15,050 में से इनको हमें 15,050 पूरे के पूरे पेमेंट करने हैं, किसी प्रकार की इनकी कमी नहीं करनी है। इसके बाद दूसरा अमाउंट और आगे चलते हैं, लिखा है 19,080 किसी क्रेडिटर से, इन्होंने पार्टली सिक्योर्ड खुद ही बोला है, पार्टली सिक्योर्ड है, इसका मतलब ये है कि पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है उसमें लोन की मात्रा ज्यादा होती है और सिक्योरिटी कम होती है। तो यहां पर लोन है, यहां पर देखेंगे तो 19,080 जबकि सिक्योरिटी में इन्होंने 18,100 रुपए की सिक्योरिटी गिरवी रखा है, लेकिन उसको बेच करके इनको सिर्फ 6,000 रुपए ही मिलेंगे। इस प्रकार से ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 19,080 पहले लिखेंगे, उसमें से सिक्योरिटी 6,000 रुपए माइनस करते हुए दिखाएंगे और 13,080 यानी 13,080 हमारे पास क्रेडिटर्स बचेंगे। यह वर्किंग में इस तरह शो करेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 500 रुपीज के हैं, इनका कहना
उचित है, और इन्होंने पहले ही 500 रुपए पहले ही फिट करके बता दिए कि भाई 500 रुपए प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स के हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतने रुपए सबसे पहले आपको पेमेंट करना ही होगा। इसके बाद इन्होंने बताया है बिल्स रिसेबल डिस्काउंटेड 2060, यहां पर बिल डिस्काउंटेड हुआ है 2060 रुपए का, अपॉन विच इज इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी ए लाइबिलिटी ऑफ 280, इसमें 280 रुपए की लाइबिलिटी अराइज हुई है। तो ये अनसिक्योर्ड है क्योंकि इनके पास किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है। तो यहां पर लिस्ट ए में डालेंगे बिल डिस्काउंटेड के नाम से 2060 में 280 की लाइबिलिटी होती है, इस तरह इसको लिखा जाएगा। आप भी देखेंगे, बहुत अच्छी तरह देखिए, समझिए, और फिर जब सवाल बनाएंगे देखिएगा इसका कैसे यूज होगा। और आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि इनके पास स्टॉक है 10,010 रुपए का, जिसका एस्टिमेटेड अमाउंट है 8,000 यानी 8,000 रुपए, बुक डेप्स है और डाउटफुल भी है और एस्टिमेटेड है उसमें से, और लैंड बिल्डिंग भी है, लैंड एंड बिल्डिंग में 8,000 का है लेकिन एस्टिमेटेड है इसमें 5,000 यानी 5,000 रुपए, प्लांट मशीनरी 12,500 का है, एस्टिमेटेड अमाउंट 5,500 है, कैश है 2 रुपीज का। इसके बाद यहां पर बोला गया कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है लगभग 5 साल पहले 25,000 रुपए की कैपिटल से, और ट्रेडिंग रिजल्ट थोड़ा और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको और अच्छा दिखाई दे, ट्रेडिंग रिजल्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 पर ईयर रिजल्टेड इन ए प्रॉफिट ऑफ 602 यानी 602 रुपए का पहले साल फायदा हुआ है, और आगे के 4 सालों में इनको जबरदस्त लॉस हुआ है, और इस प्रकार से उनकी ड्रॉइंग भी 900 रुपए पर ईयर के हिसाब से रही है, और बिजनेस में लॉस 1590 रुपए का हुआ, नहीं बिजनेस का नहीं है ये स्पेकुलेशन का यानी सट्टे से लॉस हुआ है, और पूरे 5 साल में इन्होंने सट्टे का भी कारोबार किया है, जाहिर है इनके व्यापार की बर्बादी की वजह भी सट्टा ही रहा है। तो यहां पर फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं आया है और न ही इसमें फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में कोई जिक्र किया गया है। तो हमारे सामने पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं लेकिन फुल्ली नहीं है। अब हम लिस्टिंग इसका लिस्ट ए का टोटल करेंगे तो यहां पर जो ग्रॉस है ये 17,110 रुपए होता है, जबकि ये 15,330 रुपए होता है। ये है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसको जब हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे आप यह भी देखेंगे, और अब सवाल में इसको कैसे शो करेंगे आइए देखते हैं। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है और आप देख भी रहे होंगे, बाकायदे इसको हमने पहले इसका फॉर्मेट तैयार किया है जिससे कि आपको टाइम वेस्ट करना ना पड़े। बच्चे ज्यादातर अगर थोड़ा सा समय ज्यादा होता है तो स्किप कर करके पहले टाइम चेक करते हैं, यार कितना मिनट रह गया, कहीं ऐसा ना हो इसमें टाइम वेस्ट हो जाए। क्यों? स्टडी ऐसी चीज है जिसमें बहुत ध्यान से दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने के लिए समय की जरूरत जरूर होगी। तो आइए देखते हैं इसकी लिस्टिंग को हम किस तरह यूज करेंगे। तो यहां लिखा है लिस्ट ए में आप 17,110 रुपए ग्रॉस में 15,330 रुपए एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड टू रैंक में डालेंगे। यहां पर 17,110 रुपए ग्रॉस की ओर, और यहां पर 15,330 रुपए एक्सपेक्टेड टू रैंक में इस तरह लिखेंगे। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, हमने फॉर्मेट में डाल दिया लेकिन है नहीं, तो ये मामला डैश चला जाएगा, डैश रहेगा, कुछ नहीं आएगा। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर आपकी स्क्रीन पर हमने वर्किंग के तौर पर आपको दिखाया था 19,080 और 6,000 रुपए का सिक्योरिटी, जिसमें 13,080 रुपए क्रेडिटर्स के बच रहे हैं। इनको दिखाएंगे कैसे, इस तरह दिखाएंगे 19,080 हमारा एज पर लिस्ट से लोन है, सी से जो हमारी सी का पार्ट है वो पार्टली सिक्योर्ड का है, और इसमें सिक्योरिटी 6,000 की होती है, तो हम 6,000 घटाएंगे तो 13,080 रुपए
बचेगा, जो कि हमारी अनसिक्योर्ड होता, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद लिस्ट डी में 500 रुपीज ऑलरेडी गिवन है, तो लिस्ट डी का अमाउंट आप देखेंगे तो यहां पर बाहर ही लिखा जाता है, इसको कॉलम में नहीं डालते, कॉलम में डालेंगे तो अनसिक्योर्ड हो जाएगा, जो कि अनसिक्योर्ड ये नहीं है। इसके बाद इसको ग्रॉस में भी लिखा जाएगा, इस तरफ भी लिखेंगे इसको, और यहां पर जो पार्टली सिक्योर्ड है 19,080 का, इनको भी यहां पर लिखा जाएगा। ग्रॉस में तो सबको लिखेंगे, अगर फुल्ली होता तो उनको भी यहां लिखते, हालांकि इनका टोटल कर लिया जाता है इस जानकारी के लिए कि आखिर इनके ऊपर कुल कर्जा कितना था। अब कितना चुकाना है वो तो हम यहां पर निकाल चुके हैं लिस्ट ए में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट यहां पर देखेंगे तो हम इसका टोटल करेंगे इस पूरी लाइन का, तो 28,410 रुपए का टोटल होता है यहां पर। इस तरह से आप देखेंगे तो 28,410 रुपए दोनों का जोड़ होता है। अब हम इधर वाला भी टोटल कर लेते हैं, ये ग्रॉस वाला कितना है, 17,36,590, 36,690 होगा ग्रॉस, यहां पर लिख सकते हैं 36,690। इसका कोई यूज नहीं है, परंतु दिवालिया हुआ है उसके ऊपर इतना टोटल कर्जा है, इस बात की यहां पर जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रॉपर्टीज में, जहां पर हमारे पास लिस्ट ई अब हम बात करेंगे। तो लिस्ट ई में उन संपत्तियों को रखते हैं जो संपत्तियां किसी के पास गिरवी नहीं होती हैं, किसी के पास रखी नहीं होती हैं जमानत के तौर पर। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर क्या चीज महत्वपूर्ण है। यहां पर हम देखेंगे जो हमारी एसेट्स शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है स्टॉक से। स्टॉक हमारे पास 10,010 रुपए का है, लेकिन इसको बेचकर 8,000 रुपए प्राप्त होंगे। यहां पर इस तरफ से देखेंगे, किताब में धागा ऐसे सिल दिया गया है, बाइंडर ने सिला है, पूछो मत, वर्ड दिखने को तैयार नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं इसको दिखाने की। स्टॉक 10,010 रुपए का है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज यहां पर देखेंगे तो 8,000 रुपए लिखा हुआ है। इसके बाद बुक डेप्स आता है 7,860 का, जिसमें ये तो गुड है और ये डाउटफुल और बैड दोनों 650 के हैं, जिसमें से 178 रुपए प्राप्त होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम स्टॉक को लिखते हैं प्रॉपर्टीज में। यहां पर देखिए किस तरह से इसको लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक क्योंकि गिरवी पे नहीं है, 10,010 रुपए का है, लेकिन इसको बेच के 8,000 रुपए मिलेगा, मिली हुई वैल्यू यहां आएगी जो रियलाइज होगी। इसके बाद अगला अमाउंट देखेंगे कौन सा है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, इसमें डाउबू है, बुक डेट्स भी है, जो कि गुड और डाउटफुल केस में है, उनको भी हैंड टू हैंड लिखते चलते हैं। यहां पर मैंने उनका लिस्ट भी तैयार किया हुआ है, बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, जो गुड है वो 7,860 रुपए के हैं, डाउटफुल एंड बैड दोनों मिला के 650 रुपए बताया गया, उसमें से 178 यानी 178 रुपए के रियलाइज होंगे, मतलब प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगली जब हमारे पास एसेट्स चेकिंग होती है तो पता चलता है लैंड एंड बिल्डिंग जो है 8,000 का है, 5,000 रुपए मिलेगा। तो यहां पर इसको हम लिस्ट ई में डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, क्योंकि ये कहीं गिरवी पे तो रखा नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल यहां पर होगा, और ये 8,000 का है और 5,000 रुपए इसको बेचकर मिलेगा। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, उसको भी बेचा जाएगा। प्लांट और मशीनरी का दाम ध्यान से देखेंगे तो प्लांट और मशीनरी 12,500 का है, इसको एस्टिमेटेड टू रियलाइज में है 5,500 यानी 5,500, यहां पर लिखेंगे 12,500 रुपए, और जो मिला है 5,500 यहां दिखाएंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कैश भी है इसमें, मात्र 2 रुपए का यहां पर कैश है, 2 रुपए लिख देंगे कैश के। इस प्रकार से हमने लगभग सारी एसेट्स को यहां पर लिख दिया है। इसके बाद
एक बार सवाल में सब कुछ करने के बाद सरसरी नजर पर सवाल को जरूर चेक करना चाहिए, कोई ऐसी एसेट्स ना हो जो हम छोड़ दिए हों और बाद में पता चले कि हमारा सवाल उसी प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत कर गया है। फिलहाल अब नहीं है कोई भी संपत्ति। और यहां पर देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी हमने पढ़ा था तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें कहीं नजर नहीं आया। सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा, ये सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा तब होता है जब हमारे पास यह फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर में कुछ पैसे बच रहे हों। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर में अगर मान लीजिए यहां पर 8,000 है और यहां 10,000 है, तो हम यहां पर 2,000 लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे सरप्लस टू कॉन्ट्रा और ये है अमाउंट, यहां आएगा सरप्लस टू कॉन्ट्रा के सामने, यहां पर दिखाया जाएगा इसको, यानी ये अमाउंट जो यहां पर आपके सामने मौजूद है लिस्ट बी में, ये यहां पर, यहां पर अगर मान लीजिए 10,000 है और यहां 12,000 है, सिक्योरिटी ज्यादा है तो 2,000 सिक्योरिटी बचेगी, लोन पूरा हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे सरप्लस टू कॉन्ट्रा, यहां लिखेंगे 2,000 रुपए 2,000 और फिर सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा यहां लिख के वो 2,000 रुपए यहां ट्रांसफर कर लेंगे और तब हम ये सारी संपत्तियां जो नीलाम हुई हैं इनका टोटल करेंगे। तो यहां पर नीलाम हुई संपत्तियों का जब टोटल किया जाता है तो यहां पर जो रकम प्राप्त होती है 26,000 कुछ रुपया होता, चलो जोड़ लेते हैं, कैलकुलेटर तो आज यहां है भी नहीं, देखता हूं, चलिए कोई बात नहीं ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 8, 2, 10 इसके बाद होता है 7, 6, 13, 14 और आपको भी दिखना चाहिए क्योंकि हमें यहां आपको भी दिखाना है कि जोड़ा कैसे जा रहा है। अब आप देख सकते हैं इसको इस तरह से 2, 8, 2, 10 की 0 हासिल हुआ, 1, 7, 6, 13 और 1, 14 की 4 हासिल, 1, 8, 9, 5, 14, 15, 15, 7 और 1, 8, 5, 13, 5, 18, 8, 26,540 रुपए हुए। इसमें से ये 500 रुपए का जो क्रेडिटर्स है इनको सबसे पहले घटाया जाएगा क्योंकि इनका अधिकार सबसे पहले है, जब भी पेमेंट प्राप्त होगा इसमें से प्रिफरेंशियल क्रेडिटरों को भुगतान सबसे पहले किया जाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास रकम बचेगी वो रकम, अब देखेंगे वो रकम 26,540 में से 500 घटाने के बाद 26,040 रुपए बचता है और हमें 28,410 रुपए के क्रेडिटर्स का पेमेंट टोटल करना है। तो 28,410 रुपए में से 26,040 घटाएंगे तो 2,370 रुपए जो कि डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच प्राप्त होता है। इस वक्त आपने यहां पर यह देखा कि कर्जदार 28,410 रुपए के हैं लेकिन उनको पेमेंट करने के लिए 26,040 यानी 26,040 रुपए मौजूद है, इस वजह से मिस्टर दिवालिया को 2,370 रुपए का यहां पर कमी हो गई है, इस वजह से ये दिवालिया घोषित हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसका डेफिशिएंसी अकाउंट। अब डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनता है, अगर आपके पास किताब होगी तो आपको डेफिशिएंसी अकाउंट का बुक में फॉर्मेट भी दिया हुआ है, अगर फॉर्मेट आपको नहीं मालूम है चलिए बनाते हैं, उससे आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी अकाउंट लिखेंगे, इस तरह से इसमें टू और बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली देखा गया जहां पर अकाउंट लिखा जाता है तो वहां टू और बाई लगाते हैं, डेबिट में टू क्रेडिट में बाई, लेकिन इसको भूल करके भी यूज मत करिएगा, इसमें टू और बाई का यूज नहीं किया जाता है।
अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपने इसी स्टेटमेंट के बारे में। यहां आप देख रहे हैं स्टॉक जो कि 10,010 रुपए का है, लेकिन हमें 8,000 रुपए ही मिले हैं, तो हमें यहां पर 2,010 रुपए का लॉस हो गया। हम लिखेंगे लॉस ऑन स्टॉक 2,010 रुपए का, जितने का घाटा हुआ। इसके बाद देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 8,000 की है, लेकिन जब यहां पर नीलामी हुई इसको बेचा गया तो 5,000 यानी 5,000 रुपए ही मिले, तो 3,000 रुपए का मशीन से, उससे लैंड एंड बिल्डिंग से लॉस हुआ है। मशीन का भी देखेंगे 3,000 रुपए। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आ गया, 12,500 है लेकिन 5,500 रुपए मिले हैं, तो लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी से हमें लॉस हुआ है 7,000 रुपए का, क्योंकि 12,500 का है लेकिन मिला है 5,500 रुपए, तो 7,000 का लॉस हो गया। इसके बाद गुड, जो डाउटफुल डेब्ट्स हमारे हैं बुक डेब्ट्स वाले, इनसे हमें, गुड वाले से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बैड और डाउटफुल वाले जो हैं, ये 650 में हमें 178 रुपए देते हैं, 472 रुपए का नुकसान हो गया। तो यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन बुक डेब्ट्स 472 रुपए। इसके बाद आगे लॉस चेक करेंगे, बुक का सहारा लेंगे, बुक में देखेंगे कहां से और लॉस हुआ है, उन सभी लॉसेज को यहां पर लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए बिजनेस की शुरुआत जहां से होती है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 5 साल पहले, कैपिटल लगाया 25,000 का, तो ये कैपिटल आप इधर लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल इस तरफ आता है और यहां पर 25,000 रुपए लिखे जाएंगे। उसके बाद ट्रेडिंग रिजल्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 पर ईयर, 1,000 रुपए प्रति वर्ष इंटरेस्ट लगाया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपए, क्योंकि इन्होंने कहा हर साल 1,000 रुपए, तो 5 साल के लिए ये 5,000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद है 602 रुपए का बिजनेस प्रॉफिट हुआ, उसको भी यहां लिखेंगे बिजनेस प्रॉफिट 602 रुपए, और डेफिशिएंसी जो कि हमने निकाला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके, जो कि यहां पर आपको दिखाया था मैंने, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डेफिशिएंसी यहां लिखा जाएगा 2,370 रुपए का। जाहिर है कि आपको इस साइट का पूरा जानकारी मिल चुका होगा। अब हम पहुंचते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं कहीं घाटा वगैरह हुआ है तो खुद चेक करेंगे। तो यहां पर स्क्रीन पर देखेंगे, यहां शुरू से पढ़ेंगे तो हमें यहां पर भी घाटा नजर नहीं आया, लेकिन यहां पर है सिक्योरिटी जो कि 18,100 रुपए की है, लेकिन इसको बेच करके 6,000 रुपए मिलेंगे जो कि गिरवी पे रखी हुई है, तो हम यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन सिक्योरिटीज 12,100 रुपए। 18,100 में से 6,000 मिल जाएंगे तो 12,100 रुपए का जबरदस्त लॉस होगा। इसके बाद और आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि इन्होंने बिल डिस्काउंटेड करवाया 2060 का, लेकिन लायबिलिटी हुई थी 280 रुपए की, जिसको हमने अनसिक्योर्ड में ट्रांसफर किया था, तो ये लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड है, यह भी यहां पर डाला जाएगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। लॉस ऑन बिल डिस्काउंट 200 कितने रुपए का था, ये 200 अभी दिखाई नहीं दिया मुझको, ये है 280 रुपए का दिख गया। इसके बाद और कोई लॉस नहीं आया है, अब हम इसका टोटल करके चेक करेंगे, आखिर इसका टोटल दोनों तरफ बराबर आना जरूरी है, अगर बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ अभी कमी रह गई है। इस तरफ का टोटल 25,532,972 रुपए है, 32,972। इधर का भी टोटल ऐसे ही होना चाहिए, सेम टू सेम 12,719,322,224। अभी यहां पर कोई लॉस रह रहा है, आखिर वह लॉस क्या है चेक करते हैं। अभी क्वेश्चन में कहां रह गया है पॉइंट, यह भी जानना जरूरी है। अभी हमने यहां पर छोड़ दिया था सवाल को, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है लॉसेज, इनको पहले साल तो फायदा हुआ,
लेकिन आगे लॉस हो गया, 370 का लॉस, 450 का लॉस, 500 का लॉस, 700 का लॉस, कुल मिलाकर 5, 4, 9, 3, 12, 13, 20 2020 का लॉस हुआ। यहां पर लिखेंगे ट्रेडिंग लॉस, ट्रेडिंग लॉस या बिजनेस लॉस 2020 रुपए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ड्रॉइंग 900 रुपए प्रति वर्ष ड्रॉइंग है, तो 5 साल हो गया इनको बिजनेस करते हुए, तो ड्रॉइंग की जो अमाउंट है वो 5 साल के लिए 4500 रुपए होता है, 4500 रुपए ड्रॉइंग हो गया। इनको सट्टे से भी लॉस हुआ है 1590 रुपए का, लॉस ऑन स्पेकुलेशन या लॉस बाय स्पेकुलेशन 1590 रुपए। तो इस प्रकार से इस तरफ का भी टोटल 32,972 रुपए हो चुका है। तो आपने देखा पूरी तरह से बड़े ही साफ सुथरे तरीके से आपको हमने पूरा इंसॉल्वेंसी का एक कंप्लीट क्वेश्चन करवाया है, जिसको अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो इसको और बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा। बस मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है, फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।